हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब मोबाइल रिपेयरिंग नंबर वन चैनल में स्वागत है। बात करेंगे आज एक सैमसंग A54 के बारे में। जो बात करेंगे, ये फ़ोन प्री डेड है, फ़ोन जो ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, तो चलेंगे इसको सर्विस करेंगे, किस तरह सर्विस करना है। तो पहले प्रक्रिया हम लोग इसको चार्ज वर्ज लगा के चेक कर लेते, चार्ज क्यों नहीं उठा रहा है। तो ज़रा सा भी सिम्बॉल इसमें नहीं उठा रहा है, ना चार्जिंग का सिम्बॉल उठा रहा है, ना पावर ऑन हो रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया है, चलिए खोल कर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम इसमें हुआ है। तो फटाफट यहाँ हम लोग खोल लेते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स फ़ोन खुल चुका है, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। बैटरी कनेक्टर को पहले रिमूव कर लेते हैं। बैटरी कनेक्टर में रिमूव करने के बाद देखेंगे यहाँ पे कोई तरह का वाटर प्रूफ या पानी होने कहीं जाने का जगह तो नहीं दिया हुआ है। जिस कस्टमर का फ़ोन था भाई साहब, उसने बोला कि मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया था। गिरने के बाद उन्होंने चार्ज में फ़ोन लगाया, चार्ज भी कुछ नहीं उठा रहा था, कुछ सिम्बॉल भी नहीं दिखा रहा था। तो भाई साहब वो डायरेक्ट मेरे पास ले कर चले आए कि ये फ़ोन में क्या हुआ है, तो भैया चेक करें। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, जहाँ तक तो इसका लाइन थोड़ा मिसिंग, हल्का शॉर्ट कर रहा है, या कुछ ना कुछ अंदरूनी या कोई छोटा मोटा कैपेसिटर शॉर्ट कर गया होगा मेरे अनुभव के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो हम लोग इसको पहले मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेंगे। मदरबोर्ड को बाहर निकालने के बाद जितना भी बाहर में छोटा मोटा कैपेसिटर है, जितना छोटा मोटा आईसी है, सबको चेक करेंगे हम लोग कि कहाँ पर क्या शॉर्ट कर रहा है। जो शॉर्ट कर रहा होगा उस आईसी को तोड़ के रिमूव करके निकाल देंगे, तो उससे क्या होगा कि प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आप चेक करते हैं। थोड़ा जूमिंग कर देते हैं कि आप लोगों को भी साफ से दिखाई दे। यहाँ देख रहे हैं कि कुछ भी, मतलब हल्का यहाँ पे ग्राउंड माइनस प्लस कुछ ना कुछ शॉर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे पूरी तरह ठीक दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे कोई कैपेसिटर छोटा मोटा कॉइल शॉर्ट नहीं किया है, क्योंकि हमारा काम है सब अच्छे से चेक करना, कहीं भी एक छोटा कॉइल नहीं छोड़ना है, सबको चेक कर लेना है एक लाइन से, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन आईसी शॉर्ट कर रहा है। सैमसंग A54 कोई भी मॉडल में, मतलब कोई भी ऐसा फ़ोन हो, मतलब बनाने के पहले से आपको चेक करना चाहिए कैसे कैपेसिटर सब शॉर्ट हो रहा है, कहाँ नहीं शॉर्ट हो रहा है, पहले अच्छे से चेक कर लीजिए, तब उसके अनुभव के हिसाब से तब उसको काम कीजिए। तो यहाँ पे हम देखे चेक किया, अब कैमरे वाले के पास देख लेते क्या है कि यहाँ पे एक आईसी काफ़ी सारा छोटा मोटा कैपेसिटर दिया हुआ है, यहाँ पे भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे इस जगह दिखा रहा है, उस जगह पे एक शॉर्ट आईसी है, इस जगह पे ये शॉर्ट बता रहा है आईसी को, हम लोग तोड़ के निकालेंगे बाहर को। चलिए आईसी तो मिल चुका है, तो और भी इधर अगल बगल का कैपेसिटर सब चेक कर लेते हैं कि कहीं और भी आईसी सब शॉर्ट तो नहीं है। ये छोटा छोटा कैपेसिटर जितना भी पॉइंट देख रहे हैं ना, ये देखिए यही आईसी जो है शॉर्ट कर गया है, तो हम लोग इसको तोड़ के बाहर निकाल देंगे। देखिए छोटा सा था, एकदम नाजुक से इसको तोड़ दिए हमने, तोड़ के निकाल दिए हैं। अब इसको आपको दिखाते हैं कि कितना सा महीन सा आईसी रहता है, जो फ़ोन में करंट कितना सिंबल देता है, इसी से पता चलता है कि फ़ोन में कितना खासियत है। सब मजबूत रहता है, सैमसंग का फ़ोन तो वैसे ही काफ़ी मजबूत रहता है, पर ये छोटा कैपेसिटर भी एक ऐसा पॉइंट से शॉर्ट हो जाता है जो पूरे मोबाइल को ऑन नहीं कर सकता है। तो देख सकते हैं, आपको हाथ में ला कर दिखा रहे हैं, छोटा सा ये देखिए, एकदम बिल्कुल छोटा सा यही शॉर्ट कर गया था, इसके वजह से जो ये फ़ोन पूरी तरह ऑन नहीं हो पा रहा था। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, और आपको अपने फ़ोन में सैमसंग A54 ऐसे अगर बनाइएगा फ़ोन को, तो चेक कीजिएगा चारों बगल से कि कौन सा आईसी शॉर्ट है, ऐसे ही अंदाजी में नहीं तोड़ दीजिएगा, काम है अपना सही से काम करने का। तो यहाँ पर हम लोग पैक करके अब चेक करेंगे, चार्जिंग लगा के कि चार्जिंग उठा रहा है कि नहीं, क्योंकि पूरी तरह सॉल्व हुआ कि नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पर निकाला, तो ऐसे ऐसे भी शॉर्ट जो था हमने उसको निकाल कर चेक करेंगे अब दोबारा से लगा के कि फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। फिटिंग अच्छा दिया हुआ है इसमें। चलिए बैटरी कनेक्टर को भी लगा देते हैं, चार्ज में लगाएंगे।
थोड़ा जूमिंग कम कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक रहेगा। तो यहाँ पे देखिए चार्ज में लगा के देखें तो चार्ज तो यहाँ ले लिया, तो ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो चुका है। तो इसी तरह अपने सैमसंग A54 को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पहले सब जगह पे छोटा मोटा कैपेसिटर को चेक कर लीजिए, कहीं भी शॉर्ट हो उसको रिमूव करके आराम से आसानी से निकाल दीजिए, इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग मेरे वीडियो में बने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। नेटवर्क वायर अच्छे से हम लोग लगा देते हैं, क्योंकि नेटवर्क वायर हमेशा कोई मिस्टेक से भूल भी जाते हैं नेटवर्क वायर, पर भूलना नहीं चाहिए इंसान को, हर चीज़ याद रखना चाहिए। कोई चीज़ भी एक छोटा छोटा पार्ट हो सबको याद रखना चाहिए, कहाँ किस जगह से खुला है उस जगह पर ही लगाना होगा एडजस्ट करके। तो देखिए यहाँ चार्ज उठा लिया है, जब तक चार्ज हो रहा है देखिए 1% चार्ज हो चुका है। अब इसको ऑन करके हम लोग पूरी तरह चेक करेंगे कि ऑन होता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप दिखा देते हैं कि छोटा सा ये कैपेसिटर की वजह से यहाँ ऑन नहीं हो रहा था, इसको हमने तोड़ के निकाल दिया। चलिए फ़ोन को ऑन करके हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कैमरा लगाना होगा, तो पहले इसको बॉडी को हम लोग सोच रहे कि फिट करके पहले ऑन करके चेक कर लें। तो हम लोग चाहते हैं कि पहले कैमरा को भी एडजस्ट कर दें, क्योंकि बॉडी को सीधा पैक कर देंगे। तो ये पूरी तरह प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। बॉडी में एडजस्ट करना मतलब पैकिंग जो अच्छा होना चाहिए, मतलब पैकिंग जैसे बैठा हुआ था उसी तरह पैकिंग करना चाहिए। यहाँ पैकिंग हो चुका है, फ़ोन को ऑन करके चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर फ़ोन ऑन हो चुका है। इसी तरह अपने सैमसंग A54 का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और गाइस मेरे न्यू वीडियो में बने हुए चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए बाय बाय।